माधवी दीदी शायद किचन में है। क्यों अम्मा जी? तू एक काम कर, तू सुधा को फोन करके बोल कि जब तक हम लोग आते हैं वो घर पे मिले, ठीक है? और साथ में वो पोटली लेके आए। लड़कियों के साथ बदतमीजी करने वालों के लिए उन्हें बेइज्जत करना ही उनकी सजा है। अभी हमसे बहन कह के हमसे माफी मांग रहे, अपने किए पर शर्मिंदा है, तो थप्पड़ मार के हम इसकी सजा कम नहीं करेंगे। तू मुझे खोना भी चाहे ना, तब भी मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। जैसे आंसू भरे ना तेरी आंखों में, वैसे मैं भी यही रहता हूँ तेरी आंखों में। वैसे बहुत अच्छी लगी मुझे। कौन? रागिनी? तेरी जेलसी, इतनी क्यूट लग रही थी तू। चल कुकड़ी कहेंगी? हाँ कुकड़ी है। चले। आओ बेटा संभाल के। रुद्र आओ। आओ चलो बस, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब से तुम बनारस से रायबरेली शिफ्ट हुए हो तब से सागर और गंगा रागिनी को बहुत मिस करते हैं। जी, ये भी उन दोनों को बहुत मिस करते थे। किसी खास काम से आए? जी, इसी महीने एक महापूजा करवानी है अपने पुरखों के नाम पर, उसके लिए आना ही था, पर सागर और रागिनी की जिद के कारण मुझे आज ही आना पड़ा। रागिनी अपने बचपन के दोस्तों के साथ रहेगी तो इसे अच्छा लगे, बस यही सोचकर मैं आ गया। बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन सागर और गंगा हैं कहाँ? रुक जाओ, रुक जाओ। यही खड़े रहना जब तक मैं ना आऊं। गंगा, तूने ऐसा क्या किया जो अम्मा जी ने तुम दोनों को अंदर आने से रोक दिया? नीरू, मैंने फैसला कर लिया है, इन दोनों की शादी करानी है। तरह से छिप छिप के प्रीत करना मुझे पसंद नहीं। इस तरह की निर्लज्जता मैं बिल्कुल नहीं सहूंगी। बहू, अच्छा मुहूर्त निकाल के इन दोनों की शादी करवा दो। मेल मिलाप हो जाए तो लल्ला और गंगा को कमरे में मेरे भेज बहू। महाराज जी, वो गाड़ी से सामान उतारो।
अरे बस बस बस। आप खुश हैं ना? बहुत। बहुत खुश हूं मैं। जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब फाइनली अम्मा जी की खुशी और उनकी रजामंदी से होगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और तुमने तो हमारे परिवार को, हम सबको हमेशा अपनी फैमिली माना है, लेकिन शायद हम ही तुम्हें दिल से अपना ना सके। आज तक जाने अनजाने हम सबकी तरफ से तुम्हें जितनी भी तकलीफ हुई है, जो भी दुख पहुंचा है, तो सबके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अब से तुम पूरी तरह से इस परिवार का हिस्सा हो। वेलकम टू द फैमिली। मुझे भी मिलने देंगे अपनी होने वाली बहू से? गंगा, हमेशा खुश। अरे जीते रहो, बहुत खुश रहो तुम दोनों, और तुम्हारी जोड़ी हमेशा बनी रहे। अम्मा जी ने इतने अचानक बता दिया, इतनी बड़ी बात, वरना मैं बहुत धूमधाम से तैयारी करती अपने बेटे और होने वाली बहू की। अरे तो क्या हुआ माधवी, शादी धूमधाम से कर लेना। ये भी कोई कहने वाली बात है? गंगा ये बहू जी। अरे ये मेरे और तुम्हारे बाबू की तरफ से तुम्हारा शगुन। इसकी क्या जरूरत है बहू जी? अरे अब तुम मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी होने वाली सास हूँ, मैं जो कहूंगी तुम्हें वो करना होगा। तो बिल्कुल नहीं करेगी मम्मी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। आप में से हर रोज अपने पैर दबवाना, खाना बनवाना, और सर पे तेल मालिश करवाना। बिल्कुल ठीक है, इसे सारा काम करवा। काम देते रहिए, आराम मत करने देना। इस समय मुंह मीठा करने के लिए घर में गुड़ ही है। थैंक यू महाराज। अब बाजार जाकर खूब सारी मिठाइयां ले आऊंगा मैं। I'm so happy for you। बचपन के दोस्त तो फाइनली लाइफ पार्टनर्स बन रहे हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? ऑल द बेस्ट। भगवान ने आज मेरी प्रार्थना भी सुन ली, मैं हमेशा से यही चाहती थी। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। अरे बस बस बस, बधाई हो। पता है आज मैं बहुत खुश हूं, नजर ना लगे। अरे तुम लोगों को याद है ना अम्मा जी ने बुलाया है? अरे शालीग्राम जी की कृपा है सुधा कि उस समय मेरा दिमाग चल गया। दादी आपने बुलाया? अंदर आओ। हाँ
साथ आगे करो। जी ये तो मेरे पापा पता है, जो कुछ भी है तेरा ही, इसीलिए तेरे पास ही रहना चाहिए। लेकिन अम्मा जी ये पापा के गहने तो तुमने साहूकार को दे दिए थे ना? साहूकार के पास तो ये गहने कभी गए ही नहीं थे गंगा, अम्मा जी ने मुझे दिए थे संभाल के रखने के लिए। भला तेरी अमानत ये किसी और को दे सकती थी क्या, वो भी अपना कर्ज चुकाने के लिए? बस बस अब कुछ नहीं बोलेगी तू, हाँ जो मुझे करना था मैंने किया। अब ये गहने तो पहनेगी ना शादी पे। अब जाओ तुम लोग जाओ यहां से। बस रुलाएगी क्या? इतने दिनों के बाद तेरे जीवन में सुख शांति आ रही है बस है? तू क्यों खड़ा है सामने? हाँ जाओ जाओ दोनों के तुम, चलो लेके जाए इसे। अम्मा जी ये क्या कर रही हैं आप? लल्ला की शादी उस लड़की के साथ कर रही हैं? बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा अम्मा जी, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आपको पता है ना वो लड़की एक विधवा है। विधवा थी, पता नहीं बहू विधवा थी। लेकिन अब वो सुहागिन खिलाएगी। अरे 7 साल की थी बच्ची जब उसका पति गुजर गया, उसने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा था। तब से आज तक वो लड़की विधवा के रूप में जी रही है। जितना दुख जितना तिरस्कार उसके नसीब में था सह लिया उसने, सब सह लिया। बस अब वो दोनों एक होंगे, गंगा और सागर अब शादी के पवित्र बंधन में बंधेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो घोर अनर्थ होगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। ठीक है अम्मा जी, आप जैसा ठीक समझे। आखिर आप इस घर की बड़ी हैं। चलती हूँ। मैं चलती हूँ अम्मा जी। कार हमेशा याद रखूंगी, आती रहना। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है, और कोई कहता तो बात अलग होती, लेकिन आप गंगा और सागर की शादी करवाना चाहती हैं। मुझे इस बात की खुशी भी है और हैरानी भी। अचानक कैसे ये फैसला कर लिया आपने?
जब जागो तब सवेरा नीरू। पिछले कुछ महीनों से हमारे घर में जो सब मैं देख रही थी, वो देखकर मानने को मजबूर हो गई कि गंगा ही हमारे घर के लिए सबसे अच्छी बहू साबित होगी। देख बचपन से देख कैसे वो हमेशा लल्ला की ढाल बन के खड़ी रही। जब भी हमारे घर में कोई भी मुसीबत आई तो वो लड़की अकेले खड़ी रही, अपने सर पर सब लेती गई। वो लड़की उफ तक नहीं भूली। हम लोगों ने सब कितना दुर्व्यवहार, मतलब मैंने तो बहुत ही उसके साथ गलत किया, लेकिन वो लड़की कमाल है, कभी उसने शिकायत नहीं की। बचपन से लल्ला को बहुत चाहती थी वो लड़की, पता है हम सबको, लेकिन अब तो लल्ला भी उसे चाहने लगा है। हम लोग सब समझते थे लेकिन अनदेखी कर दी। बेचारे क्या करते, बस दोनों अपने अपने रास्ते चलने की कोशिश की दोनों ने, पर दोनों को ठोकरें खानी पड़ी। इसलिए मैं कहती हूँ नीरू, मैं सोच समझ कर मैं कह रही हूँ कि मेरा फैसला सही है, गंगा इस घर के लिए सबसे अच्छी बहू साबित होगी। ये सुख शांति जो हमारे घर पे इतने दिनों से आंख मिचोली खेल रही है ना, ये बंद हो जाएगा। हमारे घर में वापस से शालिग्राम की कृपा बरसेगी। नीरू सब ठीक हो जाएगा, बशर्ते किसी की बुरी नजर ना लगे। डरा दिया एकदम इसने। ये सागर को डरा दिया, सागर को डरा दिया। ये क्या है? ये हमारा मेरी दुल्हन की ज्वेलरी। लला भैया, लला भैया खाना लग गया है, आपको नीचे बुलाया सबने, गंगा बिटिया तुम्हें भी। अच्छा ठीक है, चल डिनर टाइम आ जा। जाओ बाद में। क्यों खाना नहीं खाओगी? ठीक है तो हम दोनों खा के आ जाएं। को कम इसे ही रख दो। मुझे किस नहीं करेगी, जाने नहीं दूंगा तुझे। नाउ सागर को यहां से तुम गया
मुझे अंगूठा दिखाई। की दुल्हन का है मतलब मेरा है। मैं बनूंगी सागर की दुल्हन, मैं बनूंगी सागर की दुल्हन, मैं बनूंगी। तो ये पगली सागर की दुल्हन बनना चाहती है, कमाल है। प्रभा तुझे तो बैठे बिठाए मसाला मिल जाता है। अब गंगा तू देख, तेरा सागर के साथ शादी का सपना मैं कैसे चकना चूर करती हूँ।